और आज हमारे नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है श्री अनिल अग्रवाल जी, जो कि वेदांता ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन हैं। इनसे हम बात करेंगे देश की इकोनॉमी की और खासकर वेदांता ग्रुप के आगे फ्यूचर प्लान्स की और क्या क्या देश तो दुनिया में हो रहा है। तो सबसे पहले तो जी बिजनेस पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। GDP के नंबर्स आए हैं और एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखा है, 5.7% से 6.3% तक आया है। आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं, आप से ये जानना चाहें कि क्या आपको लगता है कि अब GST का इम्पैक्ट और बाकी जो इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया था वो खत्म हो गया और आने वाले दो क्वार्टर में हम GDP के नंबर और अच्छे आएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जिस राह पे चल रहे हैं, डेमोक्रेटिक राह है ये। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, 3 साल हुए हैं, इतनी कड़ी मेहनतों के बाद में हमारी रैंक जो है 130 थी वो 100 पे आ गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, GDP के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो इन सब बातों से देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं है। जहां इस हिंदुस्तान में जहां 21-22% दुनिया की आबादी रहती है, इसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता है। तो इस कंट्री को आगे बढ़ना, ये कंट्री आगे बढ़े, इसमें मेरे को कोई इसमें दो राय नहीं लगती है। बिल्कुल, रिसेंटली सर मूडीज ने अपग्रेड किया है इंडिया की रेटिंग्स को, S&P ने भी डाउनग्रेड नहीं किया, स्टेबल रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ कंसर्न जताई है फिस्कल डेफिसिट को लेकर। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हालांकि कल भी सरकार ने यह कहा कि बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, क्या कारण उसके हैं और कब तक आपको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा? देखिए एक चीज आप समझिए, हम लोगों को माइंड हमारा क्लियर होना चाहिए। ये हमारा जो देश है, देश ये दिस इज द कंट्री फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिए दो तरह के देश हैं पूरी दुनिया में, एक है जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलते हैं, एक सोशलिस्ट पैटर्न से चलते हैं। आपका चाइना है, रशिया है, ये जो कंट्रीज हैं ये इनमें गवर्नमेंट की कंपनियां जो हैं वो देश को आगे बढ़ाती हैं, वो आगे चलाती हैं। कंट्रीज लाइक यूरोप में है, अमेरिका है, इन कंट्रियों में प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ती हैं और हमारा जो देश है वो मूलधर ये एंटरप्रेन्योर का की जगह है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट दिया जा रहा है, पॉलिसी सिंपल रखी जा रही है, देश में 5-5, 10-10 गुना प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मैंने हरदम कहा है कि जैसे फिजिकल डिफिसिट की आप बात कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान में जो इम्पोर्ट है ये अलार्मिंग है। हमारा जो भी इनकम है उसका 50% हम इम्पोर्ट में खर्च कर देते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया है, सबसे पहले तेल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ था, हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, उन्होंने सबसे ज़्यादा सोना हिंदुस्तान में ही पाया था। डायमंड, कोहिनूर हीरा हमारे हिंदुस्तान का ही है। तो ये जो हमारे यहाँ खनिज, सबसे पहले जो सोना निकला, अल्मीनियम निकला, जिंक निकला, ये सब हमारे यहाँ से निकले हैं। आज उसको हम भूल करके इम्पोर्ट करते हैं। जो जॉब हमारे यहाँ डेवलप होने चाहिए इन चीज़ों को निकालने के लिए, वो किसी दूसरे देशों में हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ जॉब दूसरी जगह क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल, इस पर वही चीज़ हम पूछ रहे थे, उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो होते हैं, सरकार उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। हमारे पास मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, लेकिन हम उन मिनरल्स और ओर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड को इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तभी बदल सकता है जब हम इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करें, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए जॉब भी क्रिएट होंगे और इकॉनमी भी बढ़ेगी। आज की जैसी स्थिति कभी दुनिया में पहले नहीं हुई, जबकि पैसा इतना उपलब्ध है। कोई भी आज जो इनकम जो जो इंटरेस्ट रेट है वो निगेटिव है। आप तो चाहे कोई भी कंट्री हो, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट होने चाहिए। हमारी जैसी कंपनी, वेदांता जैसी कंपनी ने $33 बिलियन बाहर से लेके आए और हमें कोई तकलीफ नहीं रुपये लाने में। सारा रुपया हम यहाँ लेके आए, लेके यहाँ लगाया, सारे इन्वेस्टर भी खुश हैं, शेयर होल्डर भी खुश हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। आज जो जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, मैंने प्रोजेक्ट आने चाहिए, प्रोजेक्ट बड़े से बड़े आएंगे, लोगों को उत्साह रहेगा,
लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं आवे पॉलिसी का। जो पैसा कमाना एक कभी कभी सिन हो जाता है इंडिया में, पर पैसा कमाने दो। पैसा अगर कंपनियां कमाएंगी तो दोबारा इन्वेस्ट करेंगी, पैसा कमाएंगी तो हिंदुस्तान में टैक्स रेट है 33% टैक्स भी इनकम टैक्स को देंगी। तो ये जो एक जो मन में बात रहती है कि कंपनियां पैसे कमा रही हैं, वो भी दिशा आज के दिन चेंज हो रही है, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं हरदम देखता हूं कि जो गवर्नमेंट है बहुत पॉजिटिव है। एक जो हमारे यहां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पावर किसका है, वो है ब्यूरोक्रेट का। वो जितने इंटेलिजेंट हैं वो देश को कहां से कहां ले आ सकते हैं। वो बहुत जरूरत है कि वो आगे आए, डिसीजन फास्ट कराएं, टेक्नोलॉजी से काम करें, वो कर भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के डिफरेंस है बिकॉज ऑफ कोर्ट के डर या रिपरकशंस के डर, लेकिन मोदी गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है और रेगुलेटरी चेंजेस की जरूरत है या डिसीजन मेकिंग को और तेज करने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेट्स को और ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी देने की जरूरत है? देशभक्ति की जरूरत है, जो होगा देखेंगे। अगर दिल में लगता है कि चीज सही है तो कर दीजिए। हम लोग तो सीधे साधे बिहार के लोग हैं, अगर दिल में आ गया है कि चीज सही है तो अब जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो सही है, उसको देखेंगे। लेकिन जब तक कि डिसीजन फास्ट जो हो रहा है, आपके आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि जवाब उसका कोई, मैं कितना उसका डिटेल बता सकता हूं, लेकिन जब तक कि उनके दिल में आएगा ये काम सही है, सेंस ऑफ अर्जेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम आज की बात कल पे टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे हमको सबसे पहला काम है रोजगार देना है, अपनी गरीबी मिटानी, और उसको मिटाने में इन जो ब्यूरोक्रेट का जो इंटेलिजेंस पावर है वो अगर आगे आएगा तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप मेनली मिनरल माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है अगर आप देखिए तो, ओवरऑल इंपोर्ट की बात करें तो, इस सेक्टर में क्या कुछ रेगुलेटरी चेंजेस की जरूरत है या डिसीजन मेकिंग की जरूरत है जिसके चलते हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सके, जो कि आज के दिन में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और इन्वेस्टमेंट ला सके? दो बात है, एक तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं हम तो खुले खुला आदमी है, बाहर के लोग चाहते नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तान में तेल बने, बाहर के लोग चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान में सोना बने, चांदी बने, हिंदुस्तान खुले। वो इस मार्केट को, क्योंकि डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं, हमारे रेगुलेशन और कोर्ट का फायदा उठाते हैं, और हमारे यहाँ ये प्रोडक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये बात तो मेरे जहन में बैठी है। दूसरी बात है कि जो हमारे पास सबसे पहला, जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो ONGC हो, चाहे कोलार हो, चाहे हिंदुस्तान स्टील हो, जितनी भी ये कंपनियां, हिंदुस्तान कॉपर हो, ये कंपनियां जबरदस्त कंपनियां हैं। इन कंपनियों में भी जैसे हम लोगों ने देखा है, जैसे पोर्ट में हुआ, आपके एयरपोर्ट में हुआ, ये प्रोडक्शन 10-10 टाइम बढ़ा सकती हैं। इसमें अगर प्राइवेट साझेदारी हो कंपनी के लेवल पर, और उनके पास एसेट्स बहुत हैं, उनके पास एसेट्स बहुत हैं, उन एसेट को आप साझेदारी में ले आओ, और अगर वो ट्रेंड आएगा तो 10-10 गुना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 10-10 गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और हर हालत में सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को एश्योर करना, रीअश्योर करना कि एक जॉब का भी नुकसान नहीं होगा। और अगर ये कंपनियां में साझेदारी आती है तो सबसे पहला बेनिफिट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को होना चाहिए, उनको 1%, 2%, 3%, 4%, 5% की साझेदारी उनकी करनी पड़ेगी। ये अगर ये होगा, इसी से ही ये हेड स्टार्ट हो जाएगा, इसी से ही आपका सोने का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और हिंदुस्तान में सबसे जरूरी है एनालाइज करना बंद करें, इसमें कितना होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, ट्रांसपेरेंट रहें, लेकिन काम को आगे बढ़ाएं। अगर अगला पैसा कमाएगा तो आपको ही देगा, रीइन्वेस्ट ही करेगा। हिंदुस्तान में ये माइंड आना चाहिए कि हिंदुस्तान में काम करने से आदमी को फायदा होगा, क्योंकि दूसरी जगह और बहुत सारी जगह हैं जहां की और अपॉर्चुनिटियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अपॉर्चुनिटी का मानना चाहिए। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी जितनी कंपनियां हैं, IOC हो, ONGC हो, NTPC हो, HPCL, BPCL, इनको प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि
ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, जॉब क्रिएशन हो सके और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके. कंपनी लेवल पर या उनके एसेट्स है जो नॉन ऑपरेटिव है. कोल इंडिया है, हिंदुस्तान इतनी बड़ी जगह है, एक कोल कंपनी है, कैसे चलेगा? बिल्कुल. तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद अनिल अग्रवाल जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल जी से और अभी तक हम बात कर रहे थे देश की इकोनॉमी और बाकी से मुद्दों पे. अब हम बात करते हैं सर आपकी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप के बारे में. अगर हम बात करें तो क्या प्लान है, अगर हम बात करें अगले 5 सालों में? आप बोल रहे हैं इंडिया के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी है, आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े? और क्या आपकी कुछ बातें हो रही हैं सरकार के लेवल पे? आप क्या चाहते हैं कि पॉलिसी में कुछ चेंजेज हो, बजट आने वाला है, कुछ इंसेंटिव मिले या कुछ इस तरह के रेगुलेटरी चेंजेज हो जिससे इस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो सकता है? हम हिंदुस्तान का 30% तेल बनाते हैं, उसको 50% बनाने वाले हैं. जो भी हमारे यहां जो रेवेन्यू आता है तेल का, 80% गवर्नमेंट को जाता है. हम इसमें आने वाले दिनों में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अल्मीनियम एक ऐसी चीज है जिसमें कि देश का सबसे बड़ा उद्धार अगर हो सकता है तो अल्मीनियम सेक्टर में. इसका सबसे बड़ा कंजम्पशन हिंदुस्तान में होने वाला है और यहां पर जितने जो रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट है, कोयला है, उसी से अल्मीनियम बनता है. तो हम तो मैं तो बराबर बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 3 मिलियन टन अल्मीनियम बन रहा है, इसको 10 मिलियन टन तो इमीडिएटली बनना चाहिए. अभी सबसे बड़ी बात है कि अल्मीनियम में आधा अल्मीनियम हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रहा है और हम आधा अल्मीनियम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ये जो अभी जो है स्क्रैप पे ड्यूटी उन्होंने 2.5% कर दी है, ये छोटी छोटी चीजें पिनप्रिक हो जाती हैं. ये हर हालत में एक ही लेवल की ड्यूटी होनी चाहिए, चाहे वो स्क्रैप हो चाहे वो मेटल हो, एक ही लेवल की ड्यूटी होनी चाहिए. उससे बहुत फर्क पड़ेगा. कॉपर एक इतना बड़ा मुद्दा है कि हिंदुस्तान में कॉपर बनता नहीं है. हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में जितना कॉपर है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा. हमारे मलांज खंड में, हमारे बिहार में, आज झारखंड में चला गया, अब घाटशिला एरिया में बहुत कॉपर है. इसको आगे से आगे निकालना पड़ेगा. ऐसे वेदांता ओवरऑल हम अल्मीनियम, कॉपर, जिंक, आयरन ओर, ऑयल एंड गैस, इन सब में हम अपना प्रोडक्शन 50% बढ़ा रहे हैं. हमारा ओवरऑल ये हम 1% GDP का कंट्रीब्यूशन रहेगा. हम ये देख रहे हैं कि अगर ये सारे प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो हम 1,00,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को राजस्व में देंगे और हमारे इस बनने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. और हम ये जितना भी प्रोडक्शन करेंगे ये सब हम रॉ मटेरियल लेवल पे करेंगे और हमारी बहुत इच्छा है कि इनको प्रोसेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर, मैं बार बार कॉलेजों में भी जा रहा हूं, मैं उनको इक्विटी भी देना चाहता हूं कि आप जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो. आप 5 करोड़ इंडस्ट्री से लेके, 20 करोड़ इंडस्ट्री से लेके, 100 करोड़ तक की इंडस्ट्री लेके मैं आपको रॉ मटेरियल दूंगा, इक्विटी भी दूंगा. इसकी स्कीम हम नीति आयोग से भी बात कर रहे हैं साथ में बैठ के, जिससे कि रोजगार को आगे से आगे प्रोत्साहन मिले. सबसे ज्यादा जरूरी इसके अंदर है क्वालिटी. हमारी क्वालिटी जो हाईएस्ट क्वालिटी होनी चाहिए वो कॉन्शियसनेस होना जरूरी है. आज के इंजीनियर्स, आज के MBA उस बात को बराबर ध्यान में रखें कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत जरूरी है. वेदांता इस साल के अंत तक शायद देश इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी बन जाएगी, क्या इस क्षेत्र में कितना? जी हर क्षेत्र में बड़ी छोटी का सवाल नहीं है. मेरा सबसे इच्छा है कि हमारी तरह की कम से कम भी 20 कंपनियां और आए. लोग कंपटीशन कम करना चाहते हैं, मैं कंपटीशन बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं अकेला रह जाता हूं. ये सबसे दूसरी बात सबसे बड़ी बात होती है कि हिंदुस्तानी एक ऐसा जगह है कि हम लोग अपनी वॉइस के लिए गवर्नमेंट की कंपनियों को साथ लेके जाते हैं. ये कहां का मुद्दा है मेरे को समझ में नहीं आता है. अगर हम एल्युमिनियम के हमको हमारा कोई मुद्दा रहता है तो गवर्नमेंट कंफर्टेबल रहती है कि हम नालको को साथ लेके जाएं. स्टील का मुद्दा रहता है, हम भी हिंदुस्तानी है, हमारी भी पोजीशन है, हम सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं. ये रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है. कंफर्टनेस आना हिंदुस्तान में, जो पहले खाली पब्लिक सेक्टर चलता था वही माइंडसेट है, उसको हटा के हम लोग को प्राइवेट सेक्टर को से कैसे डील करना है, उनको कंफर्ट देना है, वो ये हो रहा है, उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा. बिल्कुल. एक आपका विवाद चल रहा है सरकार के साथ केयर इंडिया का टैक्स को लेकर. जी उसमें क्या स्टेटस है और आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है और वहां पे आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है या
आर्बिट्रेशन से ये मामला संभलेगा? ये मुद्दा श्रीखंड में किरकिरी होने के बराबर है, इसको खत्म करना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कोई माने नहीं है, इसको अगर खत्म करेंगे तो देश की इज्जत बहुत बड़ी बन जाएगी। टैक्स विदाम जो केन एनर्जी जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर लगाया है, अगर उसके साथ कुछ नहीं होता है तो हमारे ऊपर भी इम्प्लाई होगा। तो इसको करने से हमारे शेयर होल्डर भी परेशान हैं, फॉरेन वाले भी परेशान हैं। जो भी हो, गवर्नमेंट को इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना ही चाहिए, इससे देश की पोजीशन बड़े रूप में बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो आपका पालकों का स्टेक जो गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है, फॉरेन रेसिड्यूअल स्टेक और हिंदुस्तान जिंक का भी शायद कुछ बचा हुआ, इस पे क्या स्टेटस है? क्या गवर्नमेंट से आपको स्टेक ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो कब तक उस पे क्या डेवलपमेंट है? गवर्नमेंट बराबर बात करती है कि इसका स्टेक हमको देना है, ये अच्छा राजस्व है, ये बिजनेस फ्रेंडली दिस गवर्नमेंट इज थिंकिंग। मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है गवर्नमेंट कैसे क्या सोच रही है, जब भी बट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट कि ये इसको जितनी जल्दी इसका क्लीनअप करे वो अच्छा है। पर अभी क्या गवर्नमेंट से कुछ आगे बात हुई है इस पे? नहीं, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चल रही है। एक अब आपसे अगर कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहे, अभी गुजरात में इलेक्शंस चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी अगर गुजरात में जीतती है वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, और अगर हारती है तो उसका क्या रिपरकशंस इकोनॉमी में, को टैक्स जो पॉलिसी या रिफॉर्म प्रोसेस चल रहे हैं उस पर उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? मेरे को पॉलिटिक्स का कोई अंदाज नहीं है, मैं समझता नहीं हूं ज्यादा पॉलिटिक्स, लेकिन मैं दुनिया की पॉलिटिक्स में यही देखता हूं कि जहां जहां इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात होती है वहीं आजकल सपोर्ट मिल रहा है। सबको जॉब चाहिए, सबको काम चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, और मेरे को जनरली लगता है कि ये जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस दिशा में बहुत काम करती है। तो आप मेरे से पूछेंगे तो जो पार्टी देश की प्रगति, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में आगे बढ़े, वही गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया है कि इंस्टॉलमेंट कंपनीज में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो बिड नहीं कर सकते हैं। जी, इस अमेंडमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? दो अलग अलग बातें हैं। एक तो है कि जो इन्वेस्टर जो एंटरप्रेन्योर ने बहुत मेहनत की, मेहनत करके उसने काम को चलाया और उसने ईमानदारी से अगर काम किया है और उसके काम में अगर कोई तकलीफ आ रही है तो बैंक को साथ देना चाहिए, ये मेरा जनरल मुद्दा है। लेकिन अगर उसमें कोई फ्रॉड हुआ है और किसी ने पैसा का गबन किया है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड वट एवर एक्शन टू बी टेकन शुड बी टेकन। तो ये मेरा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में जैसे आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, पावर की कंपनियां हैं, या जो स्टील की कंपनियां ऑक्शन के लिए आ रही हैं, जो भी प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी चालू हो, आगे बढ़े, जो कि जो भी नए लोग आवे उसको और 5 गुना आगे बढ़ाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में जॉब की जरूरत है, स्टील की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे माइंड के लोग आवें जो कि इस कंपनियों को आगे लेके जाए। पर आपको क्या लगता है किस सेक्टर में जॉब क्रिएशन हो सकता है? कल ही हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि 800 मिलियन जॉब लॉसेज हो रहे हैं ऑटोमेशन के चलते, तो भारत जैसे देश में के लिए ये बहुत ही खराब खबर है कि यहाँ पे जॉब ज्यादा से ज्यादा जॉब की जरूरत है। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां पे भारत को ज्यादा काम करना चाहिए कि ज्यादा जॉब क्रिएट हो सके? ये मिथ है। आप ये बैलेंसिंग फैक्टर है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में टाइम टू कम अगर ये एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा तो जितनी बैक ऑफिस है, इनोवेशंस हैं, आप पुणे चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने की बैक ऑफिस और इनोवेशन ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं किए हों, तो जॉब तो क्रिएट होंगे ही होंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान में तो चाइना के मुकाबले में हम लोग 7% ही हैं। इतना आगे हम लोगों को टेक्सटाइल चाहिए, इतने ज्यादा हाउसिंग चाहिए, हर हिंदुस्तानी को हाउसिंग मिलना ही चाहिए, हर हिंदुस्तानी को एजुकेशन मिलना ही चाहिए। तो मेरे को जो जॉब क्रिएशन में ये अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए। हमारे मोदी साहब भी हरदम बोलते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इसको अगर चैनलाइज करेंगे, इनको खोलेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, सिंप्लिसिटी आएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ही चीज, हमारा एनवायरमेंट को हमको दुनिया को दिखा देना है कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी एनजीओ और कोई भी अगर आंदोलन करता है तो वो गलत है।
उस देश के हित में काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, आप पटना जैसे छोटे शहर से लंदन पहुंचे और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर। पटना छोटा शहर नहीं है साहब। बिल्कुल। भारत में स्टार्टअप्स का जमाना चल रहा है जी, आप कोई मैसेज देने चाहेंगे ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, कोई नए बिजनेस करना चाहते हैं वो क्या ध्यान रखें, किस तरह का धैर्य रखें कि उनका बिजनेस चले, क्योंकि 90% स्टार्टअप ये हो रहा है कि फेल हो रहे हैं और जिसके चलते एक डिसअपॉइंटमेंट का माहौल बन रहा है। दो चीजें हैं, एक तो स्टार्टअप होता है टेक्नोलॉजी साइड में वो करें, दूसरा होता है हम लोग जो है फिजिकल काम समझते हैं। हम लोग तो क्या है, बिहार के पैदा हुए तो हम लोगों ने रांची देखा, बरौनी देखा, तो हरदम देखा है कि भाई कारखाना चल रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए कॉलेज से निकलते हैं, उनको हम भी एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर कि हम 5,000 करोड़ रुपए अलग रख रहे हैं, जिसमें कि हर आदमी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 50 चीजें नहीं बनती हैं, ऑटो आप देखेंगे एल्युमिनियम में ऑटोमोबाइल में बॉडी है, रेडिएटर है, कार्बोरेटर है, व्हील है, सारे एल्युमिनियम के बन रहे हैं। आप आजकल वैगन जो है सब एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन में सारा एल्युमिनियम लग रहा है, तो इसमें कम से कम भी 200 आइटमें ऐसी हैं जिसमें कि आदमी 5 करोड़ से लेके 200 करोड़ की इंडस्ट्री लगा रहा है। आप कोई ना कोई अच्छे कंसल्टेंट को पकड़ के एक फिजिबिलिटी बनाएं, फिजिबिलिटी बना के बैंक के पास जाएं, बैंकों के पास पैसे भरे हुए हैं, बैंकों के पास उनसे आप बैंक का लोन सैंक्शन कराएं। अगर इक्विटी कुछ चाहिए तो वेदांता जैसी कंपनी भी आगे आएगी, आपको इक्विटी देगी और रॉ मटेरियल भी देगी। तो मेरा यही मैसेज है यूथ से, एक तो है कि ये जन आंदोलन में साथ लगे, जिससे कि ये नेचुरल रिसोर्स जो है जमीन के ऊपर आपको कपड़ा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, पूरी दुनिया ने की है, और गरीबी मिटानी है तो धरती मां के नीचे जाना पड़ेगा, वही सब कुछ है, उसका साथ दें। जूनियर माइनिंग है, एक्सप्लोरेशन है, नई नई चीजें हैं, उसमें ध्यान दें। गवर्नमेंट से बहुत जोर से अपील है कि इस काम को खाली एक एनवायरमेंट की पॉलिसी में क्लियरेंस कर रखें, बाकी किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं, जिसको इसको सिंपल बनाएं। अब आज के यूथ को तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, आज क्या दुनिया में हो रहा है उनको मालूम है, हमारी जैसी डेमोक्रेसी, हमारी जैसी ज्यूडिशरी और हमारी जैसी ब्यूरोक्रेसी कहीं नहीं है दुनिया में। इसका फायदा उठाएं, जॉब तो ले ही जहां मिले, लेकिन हो सके तो जॉब क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योर बने, पैसा लगाएं। आज बैंकों के पास पैसा है, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, फेल होने से नहीं डरें। बिल्कुल, भारतीय युवाओं को चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बने, जॉब क्रिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल साहब, जी बिजनेस से बात करें।